Hello everyone, welcome to our SQL playlist. So in this particular video, we are discussing the concept of how to install our necessary requirement tools like XAMPP server or to be a MySQL Workbench. Clear? So मैं सबसे पहले आपको वीडियो के लिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगा, SQL के इंट्रोडक्शन से. Clear? So basically SQL is a language that helps you to talk टू डेटाबेसेस. क्लियर? सो मैं यदि एग्जांपल बताता हूँ कि आप किसी भी पर्टिकुलर डेटाबेसेस से यदि आप टॉक करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, उनसे आप इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं, या डेटाबेस से कुछ आप पर्टिकुलर अपडेट करना चाहते हैं, तो ये जो टास्क जो परफॉर्म करने होते हैं, ये सब करने के लिए हमको एक लैंग्वेज का हेल्प लगती है, जो कि आपकी SQL लैंग्वेज लाइक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. क्लियर? सो इट्स लाइक गिवन इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर ask for add or change information stored in a database. मैंने आपको ये बताया कि आपको अभी कोई चेंज करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं डेटाबेस, तो वहां पर आपको एक लैंग्वेज की जरूरत होगी, वो भी आपकी है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL. क्लियर? इट्स हाउ टू इंटरेक्ट विथ डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड वे. मैं बात कर रहा हूँ SQL की, तो आप कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में आप इसको यूज करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं विथ डेटा. क्लियर? तो ये आपका इंट्रोडक्शन है टू अ SQL. जस्ट लाइक यू माइट आस्क क्वेश्चन और गिव डायरेक्शन टू अ फ्रेंड. जस्ट लाइक यू, जो भी आप किसी भी पर्टिकुलर आपके जो फ्रेंड है उससे आप डायरेक्ट करते हैं, उसको डायरेक्शन देते हैं या उससे कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो इसी तरीके से जो आपका SQL है वो भी आपका वर्क करता है. लाइक आप इंग्लिश लैंग्वेज के सिंटेक्स, जैसे कि आप कोई भी पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, तो क्वेरीज के बेसिस पे आप लिखेंगे, वहां से आप कोई भी टास्क परफॉर्म होकर आएगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेरी. क्लियर? तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज सिंपल है, आप जस्ट कुछ टास्क परफॉर्म करेंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे, उन इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे आपको आउटपुट आएगा जो कि आपके स्टोर्ड डेटाबेस में से आएगा. क्लियर? तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था. इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है, लाइक आपको जो डाउनलोड करना है आपका जो है सर्वर, तो मैं इसके लिए पहला मैं बोल दूंगा कि आपको XAMPP आप कर सकते हैं. तो यहाँ पर आपको लिखना है XAMPP डाउनलोड. तो मैं जैसे ही XAMPP डाउनलोड लिखूंगा, आपको पहली वेबसाइट मिलती है डाउनलोड XAMPP, जो कि आपकी मैं बोलूं कि यहाँ पे आपको जाके 64 बिट पे जाके आप जो भी करेंगे, तो जैसे ही आप MySQL के लिए आप XAMPP को डाउनलोड करेंगे, तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस को ओपन करने का मिलेगा. तो यहाँ पर आप इन दोनों को स्टार्ट कर दीजिएगा. मैंने ऑलरेडी स्टार्ट करके रखा है Apache सर्वर को और MySQL को. इन दोनों को आप जैसे ही ओपन करेंगे, तो आपका जो स्टार्ट होने के बाद आप अपने पर्टिकुलर MySQL टूल को यूज कर सकते हैं, जो कि आपको इंस्टॉल करना होगा गूगल से, जो कि आपका MySQL Workbench है. www.mysql.com पे आपको मिल जाएगा. तो यहाँ पर मैं जैसे ही बोलूंगा MySQL Workbench, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है डाउनलोड नाउ. क्लियर? जैसे ही आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, तो आपको इस तरीके से ओपन होगा. तो आप जैसे रूट के अंदर जाएंगे, पासवर्ड सेट करेंगे, उसके बाद आपको क्वेरी चलाने के लिए पर्टिकुलर इंटरफेस मिलेगा, जो कि इस तरीके से दिखेगा. क्लियर? तो ये हमारा प्रोसेस है, जो कि हम आपको इस दोनों टूल के थ्रू आपको SQL सिखाएंगे. आपके पास एक और पर्टिकुलर ऑप्शन है, आप चाहें तो यहाँ पर जो आपका MySQL का एडमिन है, वहां पर भी जाकर इन सारे टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं. क्लियर? वहां पर जाके आप डायरेक्ट भी डेटा सेट बना सकते हैं. लाइक आप वेबसाइट डेवलपमेंट में है, आपको डेटा सेट बनाना है, लाइक डेटाबेस के अंदर आपको टेबल्स बनाने हैं, टेबल्स के अंदर रो और कॉलम्स डिसाइड करना है. क्लियर? तो वो सारा का सारा टास्क आप डायरेक्ट क्लिक के थ्रू भी कर सकते हैं. लाइक यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप न्यू डेटाबेस बनाना चाहते हैं, तो न्यू पे क्लिक करेंगे, आपको मिलेगा कि आप उसका नाम क्या देना चाहते हैं. लाइक मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि सक्षम नाम से एक डेटा सेट बनाइए, तो मैं जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करूंगा, तो डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा. क्लियर? उसके बाद आप चाहते हैं कि वहां पर एक आप टेबल बनाए, तो टेबल में बोलता हूँ कि एडमिन नाम से मेरा टेबल होगा, उसके अंदर आप चाहते हैं कि 3 कॉलम्स हो. क्लियर? तो जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा, तो आपका जो है टेबल क्रिएट हो जाएगा. इना सक्षम आपका जो टेबल है वो क्रिएट हो जाएगा. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका सक्षम के अंदर एक टेबल है जो क्रिएट हो गया होगा. यहाँ पर मैं एक सेकेंड, यहाँ पर मेरा जो एडमिन है, मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ और मैं इसको बोलता हूँ क्या कि जो आपका नेम है, अभी मैंने जस्ट वहां पर कॉलम नेम नहीं दे पाया था, मैं बोलता हूँ आईडी होगी, नेम होगा उसका, यूजर नेम होगा और पासवर्ड होगा. क्लियर? तो जैसे ही मैं इन सबको प्रोसेस बताऊंगा कि वेर केयर रखना है, तो ये आप डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं. क्लियर? लेकिन हम आपको सिखाएंगे आप क्वेरीज के बेसिस पे, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी के बेसिस पे आप किस तरीके से इन सब टेबल्स वगैरह को बनाना, रोज को क्रिएट करना, उसके अंदर डेटा को इंसर्ट करना, ये सारे के सारे लाइक जो आपने अभी ऑटो इंक्रीमेंट किया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये एक प्राइमरी की में डिसाइड हो गया कि ये जो आपका आईडी है ये प्राइमरी की रहेगा। तो ये सारी की सारी चीजें हम मैनुअली विद द हेल्प ऑफ क्वेरी सीखेंगे। क्लियर, जैसे मैं इसको लाइक यहाँ पर बोलता हूँ कि सेव, तो आप देख सकते हैं आपका जो है पर्टिकुलर टेबल क्रिएट हो जाएगा जो कि आपका एक एडमिन के नाम से है। उसके अंदर आपका डेटा है लाइक आईडी, कॉलम्स है आईडी, नेम, यूजर नेम और पासवर्ड। उसके बाद उसके अंदर भी आप इंसर्ट कर सकते हैं डेटा विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर बटन इंसर्ट। यहाँ पर मैं डालता हूँ क्या, मेरा नाम अमित, यूजर नेम कुछ भी दे दो, यहाँ पर मैं आपका पासवर्ड भी सेम दे देता हूँ, गो करता हूँ और आप देख सकते हैं इसके अंदर आपका एक डेटा आ जाएगा। क्लियर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो है ब्राउज में जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका जो है डेटा एक आपका इंसर्ट हो चुका है। ऑटो इंक्रीमेंट के कारण आपका जीरो के बाद भी यहाँ पर बना गया है क्योंकि एक प्राइमरी की है, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती है। तो इस तरीके से आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बटन क्लिक करके आप डिलीट भी कर सकते हैं और उसके अलावा आप अपडेट भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपकी जो है प्राइमरी की है। तो ये सारी चीजें जो है हम मैनुअली विद द हेल्प ऑफ क्वेरी लैंग्वेज सीखेंगे। यहाँ पर भी आप क्वेरीज लिखकर काम कर सकते हैं जो कि मैंने पहले से यहाँ पर लिखी हुई है। कोई भी लाइक मैं चाहता हूँ कि कोई नया डेटाबेस क्रिएट हो तो मैं यहाँ पर उसके लिए क्वेरी लिखूंगा। क्लियर, तो ये सारे के सारे काम हम यहाँ पर करने वाले हैं इन अ वर्क बेंच। क्लियर, so thank you so much, stay connected with our playlist of SQL structured query language, so subscribe our YouTube channel Saksham Digital Technology।